जी नाज़रीन, एक बार फिर हाज़िर है प्रोग्राम अकीदत के फूल में। प्रोग्राम के इस हिस्से में भी आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, हमें भी अपनी इबादत में आप हिस्सा डाल सकते हैं। और सवाब की ये घड़ियाँ ये अभी भी जारी हैं, और हम्द व नात कसीदा मनकबत अकवाल मासूमीन बहुत ही अच्छे अंदाज़ में पहला हिस्सा गुज़रा। तो जितनी चले कॉलर हमारे साथ और फिर साथ ही साथ अकवाल हैं, जैसे मौका मिला मैं भी हाज़िरी पेश करूँगा। जी कॉलर हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई। तौकीर वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाह, तौकीर हैदर बात कर रहा हूँ मैं। कैसे माशाल्लाह तौकीर हैदर साहब, माशाल्लाह हैं भाई? ठीक है। आपकी दुआएं हैं भाई, अल्लाह आपकी ये मोहब्बत और मोहद्दत इसी तरह कायम रखे इलाही आमीन, और इसी तरह कामयाब रखे। इलाही आमीन। मैं मौला अली का एक एक दो कॉल पढ़ूंगा। क्या कर, और पहला कॉल है कि बिस्मिल्लाह। दुनिया दुनिया वाले ऐसे सवारों की मानद हैं, हाँ दुनिया वाले ऐसे सवारों की मानद हैं जो सो रहे हैं और सफर जारी है। वाह वाह मैं वाह, कहता हूं कि हदायत टीवी इस तरह से लोगों को उठाने की कोशिश कर रहा है कि उठो उठो हदायत से, हदायत टीवी से हदायत लो। और इस माशाल्लाह, मौला अली के कॉल से इसी की कॉल की वजह से उठो उठो और इससे हदायत लो। और माशाल्लाह, मैं बहुत खुश होता हूँ टीवी को देख के और आप लोगों को देख के, पूरी मेहरबान, टीम को लिए मैं दुआएं करता हूँ। बहुत और शुक्रिया। इसी तरह से एक और कॉल है, जो जो शख्स सजदों में रोता है, हाँ जो शख्स सजदों में सजदों में रोता रोता, है उसे तकदीर पर रोना नहीं पड़ता। वाह 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 वाह, और इसी हकीकी, तरह एक बिस्मिल्लाह। माँ के लिए है, अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे गुस्से की वजह से, हाँ उन बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ, अगर जी तुम्हारी माँ तुम्हारे गुस्से की वजह से तुमसे डरती है हाँ, तो फिर अफसोस करो, क्योंकि तुमने अपने हाथों से अपनी मगफरत का दरवाजा बंद कर दिया। अल्लाह अकबर, मेरी तरफ क्या से आपको बहुत बहुत सलाम और तमाम वालेकुम टीम को, अस्सलाम, और इसको अल्लाह हमेशा कामयाब रखे, इमाम जमाना की आमद तक, और उनके इंशाल्लाह, साथ हमें भी साथ शामिल कर रखे रखे इलाही आमीन। इंशाल्लाह। मेरी बहुत तरफ शुक्रिया, से खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया तौकीर हैदर साहब, मैनचेस्टर से बेहतरीन अकवाल आपने पेश किए हैं, और अल्लाह ताला हम सब इन तमाम मोतियों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आपको सदा सलामत रखे। जी अगले कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा नाम अस्सलाम अब्बास है, मैं मॉन्चेस्टर से बोल रहा हूँ। मैंने जी, दुआ सुनानी है। बिस्मिल्लाह, ज़रूर सुनाइए अब्बास हैदर ज़ैदी, माशाल्लाह। रब्बे जहाँ पंजत ने पाक के खालिक, इस कौम को दामन रमेश शबीर से भर दे। बच्चों को अता कर अली असगर का तबस्सुम, बड़ों को हबीब इब्ने महज़ाइर की नजर दे। कमसिन को मिले वंदनाए उन मोहम्मद, हर एक जवान को अली अकबर का जिक्र दे। माँओं को सिखा सानी जहरा का सलीका, बहनों को सकीना कर दुआओं का असर दे। ऐ रब्बे जहाँ पंजत ने पाक के खालिक, इस कौम को दामन कमी शबीर से भर दे। सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। जीत रहो बेटा अब्बास हैदर ज़ैदी, मुख्तसर से टाइम में आपने हाज़िरी लगाई, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और अगर कोई अगले कॉलर है हमारे साथ जी, तो बहुत ही अच्छी बातें तौकीर हैदर साहब की, लेकिन एक कॉलर आ चुके हैं, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, मुजव्वर नकवी साहब, माशाल्लाह। फारूक साहब। माशाल्लाह क्या ये खूबसूरत प्रोग्राम आप पेश कर रहे हैं, और बड़ी मेहरबान, खुशी हो रही है कि आपने ये प्रोग्राम फिर हफ्ते के दिन ये शुरू कर दिया है। मेहरबान बड़ा मिस करते थे हम इस दिन को, इस टाइम को। जी। हमारे मुजव्वर साहब गिल साहब की भी फरमाइश थी, बल्कि हुक्म था कि हफ्ते की रात जो है ये प्रोग्राम दोबारा लाया जाए, तो आपके सर आँखों पे हम सबका हुक्म जो माशाल्लाह है। गिल साहब तो वैसे ही बड़े मेहरबान हैं और बड़े मोहब्बत करने वाले हैं। मौला उनको भी, आपको भी, सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में इनका रखे। हुक्म है जी, बिल्कुल, मैं चंद अशआर हदिया करना चाहता हूँ मौला बिस्मिल्लाह के हुज़ूर। बिस्मिल्लाह, शुरू अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। करबला भी सितम से बरसरे पैकार है, अपने मरकज पर अभी भी शाह का इनकार है। गम नहीं को
रास्ता दुश्वार है, परचम गाजी हमारा काफिला सवार है। तख्ते शाही है हमारी ठोकरों में आज भी, हम आजादारों को जहरा की दुआ दरकार है। हाथ मल कर रह गई जुल्मों से तम की आंधियां, दोष तूफान पर चरागे दी में हक बेदार है। आखिरी शेर दिन सैयद सज्जाद के खुतबों ने साबित कर दिया, जिसको जंजीरों में जकड़ा है वही मुख्तार है। अपने मरकज पर अभी भी शाह का इनकार है। फारूक साहब आपसे गुजारिश है, अगर आपको टाइम मिले तो रब जाने तो हुसैन जाने जरूर इसके चंद अशआर सुनाए, बड़ी खुशी होगी। और गिल साहब को भी बहुत बहुत सलाम, खुदा बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। वो भी कह रहे हैं मुजव्वर नकवी साहब, बहुत शुक्रिया नार्वे से आप शामिल हुए और हमेशा आप आते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। और जब से हिदायत टीवी का आगाज़ हुआ है तब से बहुत से ऐसे व्यूवर्स को तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे ही नकवी साहब मौका मिला आपका हुक्म सर आँखों पे, तो एक कॉलर हमारे साथ उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, हमारे साथ कौन कहाँ से? मैं खादिम हुसैन बात कर रहा हूँ भाई फरूक, वलेंसिया से। खादिम हुसैन साहब वलेंसिया से, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं कल भी फोन किया था लेकिन वो अपना आप है ही नहीं थे कल। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी, बिस्मिल्लाह हुक्म करें। माशाल्लाह अभी भी घर एंटर हुए हैं, दुकान पे शॉप पे था, अभी भी घर आया हूँ। अच्छा, तो माशाल्लाह आपको देखा तो खाना भी छोड़ दिया, इधर ही बैठ गया हूँ टीवी के पास। नहीं चले, खाना भी खाइएगा। और किस तरह प्रोग्राम में शामिल होंगे खादिम साहब जी? आप किस तरह प्रोग्राम में शामिल होंगे? प्रोग्राम में शामिल जब ज्यादा आप हुक्म करेंगे हो जाएंगे भाई। अब आप शामिल हैं, कुछ पढ़ना चाहेंगे? नहीं, मैं सिर्फ आपसे बात ही करने की ख्वाहिश रखता हूँ, हमेशा करता हूँ वैसे। बड़ी मेहरबानी। तो कई दफा कॉल मिलती नहीं है तो फिर आपका प्रोग्राम ही देखते रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बस अपनी दुआओं में खादिम साहब याद रखिएगा। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला जी, इंशाल्लाह ताला आप भी दुआ कीजिए, ठीक है जी? इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना भाई। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया। मौला अली मदद, मौला अली मदद। और खादिम हुसैन साहब वलेंसिया से थे, और बेशक आप अभी खाना वगैरह खाइए, हमारे कंट्रोल रूम में भी अभी अभी लंगर का इंतज़ाम था, वो भी अभी अभी खाना भी खा रहे हैं, क्योंकि लंबी शिफ्ट होती है तो जैसे जैसे टाइम मिलता है, हमारे भाई भी आप ही की तरह बस देर बदेर जैसे उनको मौका मिले आप, वो आपकी खिदमत में मामूर है। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अब आप लाइव हैं, बात कीजिए। हेलो जी बहन, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं फरूक भाई नरगिस बतूल बोल रही हूँ लंदन से। जी बहुत शुक्रिया नरगिस बतूल साहब। मैं डॉक्टर आमिर का प्रोग्राम भी देख रही थी और आपका भी, माशाल्लाह इतने इतने अच्छे बच्चे पढ़ते हैं, स्पेशली कुमैल ने जो पढ़ा, वाह वाह वाह, आज अल्लाह परवरदिगार की तारीफ की, वो बहुत प्यारा पढ़ा उसने, पहले भी वो इनाम ले चुका है। मेरा पैगाम ऐसी माओ के लिए है कि जिनके बच्चे पढ़ते हैं वो लेके जरूर आया करे, खींच के लाया करे। सही है। और मौला आपकी जिंदगी हिजरे हयात करे सारे सुनने वालों की। हम कुछ कह नहीं सकते लेकिन सुनते हैं हम, रेगुलर है।
बहुत हमारा शुक्रिया, नाम सुनने वालों की लिस्ट में आ जाएगा, पढ़ने क्या वालों कह में रहे हैं, नहीं, तो क्या कह दुआएं रहे हर हैं, करने वालों की लिस्ट में। बहुत बड़ी बात है। मौलाई कायनात का सदका ये हमारा चैनल चलता रहे और इलाही कामयाबियाँ आपको नसीब हो और इलाही हम सब फैजयाब होते रहें, तो हम इंशाल्लाह, याद रखिएगा भैया जी। अल्लाह जज़ाकल्लाह, हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया बहन नरगिस बतूल साहिबा, बहुत अच्छा पैगाम उन बच्चों के लिए भी जो अच्छा पढ़ते हैं, और उन माओं के लिए भी कि अगर जो बच्चे अगर दाएं बाएं हों तो उनको खींच के लाएं और उनकी कॉल मिलवाएं और उनसे कहें कि पढ़िए हिदायत टीवी पे। और बिल्कुल आपने कुमैल की तारीफ़ की है, मुझे उम्मीद है वो हर प्रोग्राम में आया करेंगी, अच्छे अंदाज़ में इसी तरह कुछ सुनाया करेंगे। अगले कॉलर अस्सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मौला अली मदद, मौला अली मदद जवाब बुखारी अर्ज कर रहा हूँ जी। जी जवाब फारूक बुखारी भाई, साहब, आपसे ये पता करना था कि ये जो आप इश्तेहार आ रहा है यूटिलिटी का, इसके ऊपर टीवी के ऊपर, कि हम लोग जो यूएसए में रहते हैं हम इस प्रोग्राम को कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो बता रहे हैं कि अपना यूएसए में रहने वाले भी इसमें शरीक हो सकते हैं, तो जरा मेहरबानी करके वजाहत करें, कई लोगों के लोग शामिल होना चाहते होंगे इस अच्छा प्रोग्राम में, बुखारी तो साहब किस मेहरबानी प्रोग्राम करके। में शामिल होना चाहते हैं, ज़रा दोहराएंगे। आप चले गए, मुझे कोई समझ नहीं आई। बहरहाल अगर आप दोबारा वजाहत चाहते हैं तो दिन को 12 बजे मंडे को, यहाँ यूके टाइम मंडे को 12 बजे के बाद दोबारा फ़ोन कर लें, तो या शाम के तक हम इधर ही होते हैं, तो आप कॉल कर लें तो मज़ीद हम आपकी रहनुमाई कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जवाद बुखारी साहब अमेरिका से आपकी कॉल का। और कोई अगले कॉलर हैं अगर, और नहीं है तो नरगिस बतूल साहिबा की मैं एक बार फिर पैगाम दोहराऊंगा, उन बच्चों को शाबाशी भी उन्होंने दी है और हिदायत टीवी की भी तारीफ़ की है। बस यही है कि ये हमारा प्लेटफॉर्म है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम अपने अंदाज़ में, अपने मज़हब के मुताबिक, अपने दीन के मुताबिक सब कुछ वो कर सकते हैं, जिसकी जगह जगह ममानत होती है, जगह जगह उसको रोका जाता है, जगह जगह जो है बस कोई ना कोई कुर्बानी मांगी जाती है, पर यहाँ पर हिदायत टीवी को चलाने के लिए कोई माली बल्कि जानी कुर्बानी नहीं, छोटी सी एक माली कुर्बानी है 14 पाउंड या 14 यूरो की, या 69 पाउंड जो इन दिनों कैंपेन जारी है मुहिब्बाने ज़ैनब सलाम अलैहा, 69 पाउंड 69 पाउंड वन ऑफ डोनेशन, कोई बड़ी कोई रकम नहीं है, तो ये रकम दीजिए ताकि ये सिलसिला जारी रहे हिदायत का और ये खूबसूरत महाफिल का। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी, हमारे साथ कौन कहाँ से? टीवी में जो अभी प्रोग्राम आ रहा है इसमें बात कर सकते हैं? जी, आप टीवी पे इस वक्त लाइव हैं, बराह रास्त हैं, अपना नाम बता दें। मेरा नाम शाह जलाल, मैं साउथ अफ्रीका से बोल रहा हूँ। साउथ अफ्रीका से, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी भाई, टीवी से थोड़ा हट जाइए और किस तरह शामिल होंगे, कुछ पढ़ेंगे? और कैसे? नहीं, मैं थोड़ा सा ये नहीं, ये दुआ, ये मालूम करना चाहता हूँ थोड़ा सा दुआ वगैरह का लिए, ये जी जो जैसे हमारा फैक्ट्री के लिए जो ना, कंपनी के लिए कोई बरकत वगैरह का लिए जो ना, अच्छा इस चीज का जो बरकत हो। बरकत हो आपके काम में। वैसे बहुत शुक्रिया भाई आपकी कॉल का, मज़ीद जो सही आपको रहनुमाई इस हवाले से कर सकते हैं, कौन सी दुआ आप पढ़ें वो तो हमारे उलमा कराम में से किसी प्रोग्राम में आप कॉल कीजिएगा, वरना ओवरऑल यहाँ पर तमाम लाखों लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, तो आपके कारोबार में बरकत के लिए हमारे मोमिनीन सब दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपको इसमें बरकत डाले और मज़ीद कारोबार में इजाफ़ा करे। मज़ीद रहनुमाई अगर आपको चाहिए होगी तो इंशाल्लाह हिदायत टीवी के दीगर प्रोग्राम्स में, उलमा इकराम के प्रोग्राम्स में आप ज़रूर कॉल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक भाई, आली मदद जी, है, मौला अली मदद मैं बुखारी साहब, जवाब बुखारी हूँ यूनिवर्सिटी से। मोहतरम, वो जो इश्तेहार चल रहा है ना यूटिलिटी का, इसके जी ऊपर अपना टीवी के ऊपर हदायत टीवी पे, हाँ के वो कहते हैं कि आप इसके हदायत टीवी के जरिए पे करें वो कोई भी बिल, अपने जो यूटिलिटी, यूटिलिटी बिल है, तो सही सही सही। मैं कहने का मकसद ये था कि अगर आप यहाँ से आप बताएंगे तो सब सुन लेंगे, वहाँ अगर मैं बाद में होगा बिल्कुल मैं सही, सुनूंगा, अगर आप इसकी वजाहत कर दें कि हम ये यूटिलिटी हमारे गैस का बिल है, बिजली का बिल है, ये टेलीफोन के बिल है, ये हम हदायत टीवी के जरिए कैसे अदा, बिल्कुल बड़ी सही मेहरबानी आपकी, बिल्कुल सही, उम्मीद है कि आप, मैंने वजाहत कर दी बिल्कुल उसकी, अभी वजाहत हो सारी गई सारी आपकी, वजाहत कर सका उसकी माफ़ चाहता हूँ। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं बुखारी साहब, बहुत अच्छी बात है और ये एक ज़रिया है नाज़रीन
के जो आप इश्तिहार देख रहे हैं कि कोई भी आप यूटिलिटी, ये जो आपने गैस है, बिजली है, पानी है, सब कुछ आप इस्तेमाल करते हैं यूके का मुझे अंदाज़ा है, लेकिन अमेरिका में आप इस वक्त हैं अभी, उसके लिए मैं मज़ीद मालूमात खुद जानना चाहूँगा अपने कायदीन से कि आया अमेरिका में भी ये सहूलत है या नहीं, वरना यूके में ज़रूर ये सहूलत है कि आपने जो भी आप गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी कंज्यूमर के हवाले से आप मालूमात करना चाहें तो आप पहले हमें फ़ोन करें ताकि उसका थोड़ा सा जो अमाउंट है वो हिदायत टीवी को भी डोनेशन की सूरत में मिल जाए। तो अमेरिका के हवाले से फिर मैं आपसे चाहूँगा कि आप या 12 बजे के बाद मंडे को फ़ोन कर लीजिए कि वहाँ पर भी ये फैसिलिटी है या नहीं है। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हमारे साथ कौन, कहाँ से? मैं आले मोहम्मद बोल रहा हूँ, साउथ अफ्रीका से। जी आप बात कीजिए, आप हमारे साथ हैं। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है साहब? जी जी, आपकी आवाज साफ आ रही है जी, बिस्मिल्लाह फरमाइए। अच्छा, मैं अपने जाकर मेरे पहले भाई उनके पहचाने का सुर पढ़ना चाहूंगा। जी बिस्मिल्लाह, इरशाद इरशाद। सलामत रहे, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सिप्ते जाफर शहीद रहमतुल्लाह अलैह की याद में आपने अशआर पेश किए हैं। अल्लाह ताला शहीद के दर्जात मज़ीद बुलंद फरमाए और उनके जो फरामीन है, जो उनके कलाम है, उन पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी आप बात कीजिए, आप लाइव हैं। कोई मसला नहीं, आपकी कॉल मिली हुई थी, टीवी ऑन था, टीवी की आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन चलें आप दोबारा अगर आना चाहें तो ज़रूर आइए। प्रोग्राम बहुत ही अच्छे अंदाज में जारी है और अब देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फारूक,
जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देख रही हूँ तो मैंने कहा मैं भी फोन करूँ। मेहरबानी पाक आपको और आपके चैनल को और हमारे जो जो मौला के अजदार आ रहे हैं, जाकर आ रहे हैं, सबको अपने इफ्तोमान में, इमाम ज़माना के इफ्तोमान में रखे। बस यही है फरूख भाई कि मौला पोजिशन पाक आपको लंबी उम्र दे और जो जो टीवी का काम कर रहे हैं। तो अभी भाई साहब ने बिल का कहा था तो मुझे भी ये फोन करना था कि वो आता है तो अगर हम गैस बिजली किसी के दूसरी कंपनी के साथ है तो वो आपके साथ कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा या कैसे होगा? इसके लिए आप अगर मंडे को दिन को फोन कर लें। अच्छा तो आपको तफसील से मैंने इसलिए किया कि अगर कोई थोड़ी इन्फॉर्मेशन हो तो ठीक है। इंशाल्लाह जरूर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को और आप सबको जज़ाकअल्लाह। खुदा हाफिज़ बहन। मिसेज़ अली साहिबा थी बर्मिंघम से, हमेशा आप भी दुआएं देती हैं और बहुत अच्छा ये भी तरीक़ाकार, किसी न किसी अंदाज़ में आप हिदायत टीवी की ज़रूर मदद करें। और इसके अलावा जो कैंपेन्स हैं वो भी आपके सामने हैं, वो भी 45 पेंस या 50 पेंस बनते हैं दिन के, जो 14 पाउंड माहिर आप दे सकते हैं। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा बहुत शुक्रिया, जरूर पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाल्लाह कदर का ये नारा है, आप क्या जाने फातिमा क्या है, आप क्या जाने फातिमा क्या है, कदर जिसको सदा कज़ा ने कहा, सैयदा जिसको मुर्तज़ा ने कहा, अपनी माँ जिसको मुस्तफा ने कहा, कंज मगसी जिसे खुदा ने कहा, जिसकी चौखट पे काबा झुकता है, आप क्या जाने फातिमा क्या है, आप क्या जाने फातिमा क्या है, उसकी चादर को आसमां कहिए, अपने बच्चों का साहिबा कहिए, उसको अलहम्द का निशा कहिए, हशर की धूप में अमा कहिए, पूरा कुरान ही के सीधा है, आप क्या जाने फातिमा क्या है, आप क्या जाने फातिमा क्या है, ये घराना किसकी मिला हमको, उसी घर से नबी मिला हमको, हर वसी हर अली मिला हमको, एक अली क्या अली नबी क्या नबी मिला हमको, उसी घर से खुदा भी पाया है, आप क्या जाने फातिमा क्या है, आप क्या जाने फातिमा क्या है। माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुस्तफ़ा हैदर ज़ैदी मैनचेस्टर से, बहुत ही प्यारे बच्चे, ये भी हमेशा प्रोग्राम में आते हैं और बेहतरीन आपका शौक़ भी और इबादत में ख़ुद भी शामिल हुए, हमें भी शामिल किया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और बात हम कर रहे हैं अपने हिदायत टीवी की, हिदायत चैनल की। तो नाज़रीन, हिदायत टीवी अभी 5वां साल माशाल्लाह मुकम्मल होने को है, 5वीं सालगिरह इंशाल्लाह करीब है। तो इतने कम वक्त में इतने बेहतरीन परफॉर्मेंस और इतने बेहतरीन से बेहतरीन प्रोग्राम आपकी खिदमत में ला रहा है, और जहां हम सब कुछ इतना कुछ हासिल कर रहे हैं हिदायत टीवी से, तो फिर कुछ लुटाने की जब बात आए तो इसमें भी हमें कोई कंजूसी का या पीछे रहने की ज़रूरत नहीं है। ये चैलेंज है हम सब के लिए, इस आवाज़ को हमेशा कायम और दायम रखना है। उन लोगों को सलाम के जो अपने खून के नजराने दे के मिशन हुसैनी में अपना सर अपना फ़ख्र से बुलंद कर रहे हैं, तो हमें अगर खून की कुर्बानी इतनी अल्लाह ताला ने फ़िलहाल हमें पीछे रखा है, तो ये माली कुर्बानी के लिए हमें ज़रूर आगे जाना चाहिए। और माली कुर्बानी भी सारा बैंक बैलेंस नहीं है, छोटी सी महदूद रकम है, 69 पाउंड 69 पाउंड वन ऑफ डोनेशन, और जो 14 पाउंड और या 14 यूरो वो भी महाना के तौर पर अगर आप देना चाहें तो ज़रूर दीजिए। इस चैनल की वजह से बहुत से लोग माशाल्लाह हिदायत पा चुके हैं, हिदायत याफ्ता हो रहे हैं। और कल जैसे हमारे एक प्रोग्राम में
सिस्टर सैयदा खानम तैयबा बुखारी साहिबा थी, उन्होंने भी बताया कि पाकिस्तान में भी अब बहुत सी जगहों पे हिदायत टीवी देखा जा रहा है, पसंद किया जा रहा है, और यूके में भी बहुत से ऐसे लोग जो बहुत सी उम्र गुजार चुके, एक तो ऐसा तबका है कि बहुत सी उम्र गुजार चुके हैं और उनको हिदायत टीवी के वजह से वो वापस पलटे हैं, अगर डिस्ट्रैक हुए थे कहीं अलग ही रास्ते में जा निकले थे तो वो वापस, क्योंकि हमारा ये जो मकसद है गाइडेंस टू द राइट पाथ, तो वो राइट पाथ के ऊपर आए हैं। बहुत से लोग ज़रा पीछे थे, उनको भी आगे मिलाने की कोशिश हिदायत टीवी की, और बस अपनी यही है कोशिश होनी चाहिए कि ये कायम और दायम रहे, ताकि जो भी लोग अभी भटके हुए हैं, कोई इंतज़ार में है, तो वो भी इस हिदायत की रोशनी तक ज़रूर पहुँचें, और जो पहुँच रहे हैं और इस कार्य खैर में हिस्सा डाल रहे हैं, उन सब को एक तो मैं सलाम भी पेश करता हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और फिर यहाँ पर तो अजर मिलेगा ही मिलेगा, आखिरत में एक बहुत बड़ा अजर है। जैसे इससे पहले मैं फरमान हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का पेश कर रहा था कि मरने के बाद इन तीन चीज़ों के अलावा कोई अमल पीछे नहीं आता, पहला अपने हाथ से दिया जाने वाला सदका, दूसरा वो नेक काम जो छोड़ गया और ज़िंदगी के बाद भी जारी रहा, और तीसरा नेक औलाद जो दुआ करती रही। तो इसमें पहला जो अपने हाथ से दिया जाने वाला सदका है, यही है कि बंदा इंतज़ार ना करे, जो भी अल्लाह ताला ने तौफीकात दी हैं, जो नेमतें दी हैं, उनमें से कुछ हिस्सा अगर अल्लाह की राह में देंगे तो आपकी नेमतों का एक तो शुक्र अदा हो जाएगा, नेमतों में कमी नहीं होगी, और फिर आपके इस देने से लोग भी देखा देखी आपकी तरह शायद बनने की कोशिश करें, तो उनमें भी एक जज्बा पैदा होता है। दूसरा ये है कि वो नेक काम जो छोड़ गया और ज़िंदगी के बाद भी जारी रहे, तो ये ऐसे काम हैं रफायामा के, खिदमत खल्क के, और जैसे हिदायत टीवी सबसे बड़ा एक सदका जारिया के तौर पे भी कि आप इसको इसमें हिस्सा डाल दें। और बहुत से ऐसे हमारे हिदायत फैमिली मेंबर्स माशाल्लाह मौजूद हैं कि जो अपने मरहूमीन के नाम की स्पॉन्सर्ड मजलिस भी यहाँ पर करवाते हैं, लाइव मजलिस, स्पॉन्सर्ड मजलिस। तो इसी साथ ही साथ बातों में ये भी आपको बता दूँ कि जो भी जैसे मरहूमीन की बरसी आ रही है, कोई भी ख़ास दिन आ रहा है, तो उनके साले स्वाब के लिए भी आप मजालिस जो है वो स्पॉन्सर कर सकते हैं। वैसे तो मजालिस जो घरों में पढ़ी जाएंगी या मसाजिद इमामबारगों में, वो भी अच्छी बात है, लेकिन उनको सुनने वाले महदूद होंगे, महदूद उस इलाके के होंगे, उस शहर के होंगे, लेकिन यहाँ से अगर मजलिस जाएगी तो 150 से ज़ायद ममालिक में मौला का नाम फैलेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, आप हमारे साथ हैं, आपकी कॉल मिली हुई है, बिस्मिल्लाह बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कहाँ चले गए थे भाई? अली मदद जी, बोला अली मदद। फिर भाई फरूख क्या है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। आपको पहले भी फोन किया, सॉरी दोबारा फिर कॉल आपको करा हूं। स्पेन वालेंसिया से ना? जी 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 जी। तो भाई हमने रिक्वेस्ट थी, ये जो आपको जो अपने 14 पाउंड रखे हुए हैं जी। हेलो जी जी, बिस्मिल्लाह बात जारी रखें। जी जी, जो आपने जो लिखा हुआ है 14 पेंट जो पाउंड है जो रैप टीवी को देने हैं, ये कैसे दे रहे हैं भाई? ये आप हमारा अकाउंट नंबर है भाई, अब तो इंटरनेशनल अकाउंट में आप जाके ये जमा करवा सकते हैं, पेपॉल के जरिए जमा करवा सकते हैं। हमारे पास तो यूरो होंगे ना? यूरो, हाँ बिल्कुल, 14 यूरो आप जमा करवा सकते हैं हर महीने। अपने कार्ड की डिटेल हमें दे सकते हैं तो हम यहाँ से इंतजाम कर लेंगे। इसी में कराने हैं? जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, मैं अपना ना पहले भी आपको फोन किया है, मैं खादिम हुसैन मेरा नाम है। बिल्कुल मुझे याद है, अभी आपने किया था। जी भाई, तो मिस्टर जी मेरे पास ही बैठे हुए थे, मैंने उनसे भी पूछा, मैंने कहा कैसे देने होते हैं ये ना? अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल आसान तरीका है भाई। ठीक ठीक। तो हम तो आपका प्रोग्राम बहुत लाइक कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर। मेहरबानी मेहरबानी, बस यही है कि आपने बहुत अच्छा कदम उठाया भाई के प्रोग्राम देखा। मैं आपको एक बात करनी थी जी। मैं एक्चुअली मेरे जो मिसेज है ना, हाँ जी, वो एक्चुअली इलेक्ट्रिशियन है ना। ठीक है। हेलो जी जी, बात कीजिए भाई। जी जी जी, जो मेरे मिसेज है ना वो इलेक्ट्रिशियन थे ना। ठीक है। तो मैं अपना एल सुनत जमात से तलक रखता था। ठीक है।
तो इंशाल्लाह ताला ये आपके हदायती भी है ना, माशाल्लाह एक साल से मैंने ना फिका जाफरिया में चला गया हूँ। क्या कहना है, क्या कहना है? तो इंशाल्लाह ताला आप आपके टीवी ने बहुत हमारा हेल्प की है, सही बात है, खासकर मेरी बहुत की है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया भाई। एक्चुअली वो हमारे आलम है माशाल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दराज करे, तंदुरुस्ती दे, सैयद अकील उल गरवी साहब, ठीक है जी जी। वो मैं अक्सर उनको सुन सुन के ऐसे भी हो गया हूँ। अच्छा ठीक है, तो माशाल्लाह ये आप रहती, मुझे बहुत रहती है। क्या कहने, क्या कहने, जो पहले मैं खुद सुन जुमा तलक था, ठीक है, तो जब मैंने सर्च किया सारा कुछ सुना है, जो बड़े बड़े आलम है, तालब जोहरी साहब है, ये अकील सैयद वर्दी साहब है, इनको सुन के, और फिर आपके यहाँ पे बहुत मजलिस अच्छे पड़ते हैं, सारों को सुन सुन कर मैं तो एक साल हो गया माशाल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो मैं अपना, मेरे बेटे का भी नाम है और हुसैन, मोहम्मद हुसैन रखे हुए नाम सारों का, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला आपके प्रोवो को, आपके प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा खुदा ताला मौला मुश्किल कुशा के सदके, पंचन पा के सदके आपको बहुत बहुत तरक्की दे, इलाही आमीन, माशाल्लाह, सलामत रहे। जो ये कोड हम हर माह इंशाल्लाह ताला ना हम जरूर डाला करेंगे, ठीक है ना? क्यों नहीं, क्यों नहीं, कोई रकम बड़ी भी नहीं है। बहुत शुक्रिया खादिम हुसैन साहब। कोई ऐसी बात नहीं, मुझे पता ही नहीं था भाई, माशाल्लाह मेरी शॉप है यहाँ पर। अच्छा, डोनर वगैरह हर चीज हम माशाल्लाह दो तीन साल से शॉप चल रही है। अच्छा, क्या देखे, कितना मौला का फजल है। इंशाल्लाह तो आपकी खिदमत जरूर करेंगे, ठीक है भाई? क्यों नहीं, क्यों नहीं, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। थैंक यू वेरी मच भाई, आपका टाइम मैंने, नहीं जी नहीं, नहीं जी नहीं, मौला अली मदद। बहुत शुक्रिया खादिम हुसैन साहब वलेंशिया से। और आहिस्ता आहिस्ता देखे, एक साल में आपने हिदायत टीवी देखा, और हम जैसे भी बहुत से लोग इस हिदायत टीवी की वजह से रहनुमाई उनको मिली है। और असल मज़हब हक्का होता क्या है, बहुत सी अफवाहें लोगों ने फैला रखी होती हैं कि शिया जो है ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन पास आके करीब आके सही रहनुमाई अगर आपको मिलती है तो फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। और हिदायत टीवी बिल्कुल हकीकत आप तक पहुँचाने में मावन व मददगार है। और आपने भी इस कार खैर में हिस्सा डाल लिया खादिम हुसैन साहब, और आपको अगर पता नहीं था अब पता चल चुका है, बहुत से लोगों को अगर नहीं पता था तो वो भी यही कि बहुत आसान तरीका है, आप वेबसाइट पे जाके मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ ममालिक में हमारे अकाउंट नंबर भी हैं, और जहाँ पर नहीं है वहाँ इंटरनेशनल अकाउंट डिटेल्स हैं, वो लेके बैंक जाइए या हमें सीधा यहाँ ऑफिस में फ़ोन करें, अपने कार्ड की डिटेल दीजिए तो हम हर महीने वो पैसे काट लिया करेंगे। जी कॉलर हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं साइका बोल रही हूँ डेनमार्क से। साइका डेनमार्क से, जी बहन बहुत शुक्रिया जी आपका फोन करने का, शुक्रिया आपने मुझे फोन किया था, तो उस वक्त मैं बिजी थी, मस्जिद में बैठी मजला सुन रही थी मामा। अच्छा अच्छा बहन, अच्छा 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 अच्छा, बहुत शुक्रिया बहन, आपका बहुत शुक्रिया आतियात का जी, आपने दे दी है उनको उजमा बहन को जी, बिल्कुल आपकी डिटेल वगैरह सारी पहुंच गई है, सारा कुछ आपका ईमान पे पहुंच चुकी है जी। नहीं आप मेरा शुक्रिया नहीं अदा करें, क्योंकि मैंने सब मौला के लिए अभी भी चले दी। एक आप मेरी फेवर कर सकते हैं जी? बिस्मिल्लाह। जरा मुझे 14 मासूमों के जो अदद है वो मैसेज कर देंगे। अच्छा चले, वो इल्म अदाद तो मुझे कोई इतना वाकिफ नहीं हूँ, नाम के वो जैसे बीबी ज़ैनब के ना से 69। हाँ जी चलें, मैं कोशिश करूंगा, अगर आप मंडे को फ़ोन करें तो ये भी आपकी जो एक रिक्वेस्ट है उस पर ज़रूर अमल करने की कोशिश करेंगे। तो बहरहाल आपका जो अतिया था वो मौलाना साहब तक पहुंच चुका है। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, बिस्मिल्लाह, हमारे साथ कौन, कहाँ से? हैदराबाद से, माशाल्लाह जी भाई, किस तरह शामिल होंगे, कुछ पढ़ेंगे जी? मेरे दोस्त की एक चार मिसरे हैं। बिस्मिल्लाह, वो मैं सुनाना चाहूंगा जी। और दरअसल ये मैं खुद भी पढ़ूं, उनका रिकॉर्ड मैंने कर लिया था, वो सुनाना चाहूंगा। एक्चुअली रिकॉर्ड की शायद अभी तो आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही, रिकॉर्डिंग का इस पता नहीं आपका ये ऑन एयर हमारा फिर वो आवाज़ साफ जाए या ना जाए, अगर आप खुद पढ़ के सुना दें तो बहुत अच्छी बात है।
चले आप नेक्स्ट टाइम भाई आइएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग सुनवाने से हमें बहुत से ऐसी जो यहाँ पर ऑफकॉम के रूल्स हैं कि क्वालिटी आपको बेहतर से बेहतर देनी है, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ती है। आपकी रिकॉर्डिंग जो है आप अगर ख़ुद अपने अल्फाज में सुना दें तो बहुत अच्छी बात है। पैगाम मकसद तो है पैगाम पहुँचाना, तो आप वो पैगाम अपने अल्फाज में पहुँचा दें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रिकॉर्डिंग की क्वालिटी फिर आपके फ़ोन से फिर इधर आए फिर ऑन एयर जाए तो मे बी की क्वालिटी अच्छी ना और हमें उल्टा लेने के देने पड़ जाए। तो हिदायत टीवी इस हवाले से भी पूरा चौकस है और फोकस किया हुआ है कि इस तरह के कोई जुर्मानों से बचे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई जान मैंने पूछना है कि आप सॉरी मैं फोन कर रही हूँ न्यूकासल से। जी तो मुझे पूछना था कि आप इस्तखारा किस वक्त आपका प्रोग्राम चलता है इस्तखारे वाला? इस्तखारे वाला प्रोग्राम अभी रमज़ान के बाद अभी दोबारा उसका टाइम नहीं शुरू हुआ, जैसे ही उसका कोई टाइम दोबारा हम कोई मुख्तस करेंगे। तो ये फीस भी लेना है? जी ये फीस भी लेना, इसके लिए कोई चार्जेस वगैरह पहले भी नहीं थे और अब जब नेक्स्ट शुरू हुआ तो तब भी नहीं होंगे। जी तो मैंने आपसे ये भी पूछना था कि आपका कोई ऐसा स्टेशन जो ये तो अभी ब्रेडफोर्ड से चल रहा है ना जो टीवी पे आ रहा है? अभी ये मैनचेस्टर आ चुका है। राइट तो इसकी आपको कोई इरादा नहीं है फ्यूचर में इधर कोई न्यूकासल में इसका खोलने का? चले फिलहाल अभी हमारे इधर पाँव नहीं जमे हैं, फिलहाल मैनचेस्टर में बर्मिंगम में है और लंदन में है, और दुआ करें कि हमारे हर जगह कोई हर शहर में कोई ऐसा स्टूडियो बन जाए, बस आप दुआ करें। भाई ज़रूर मेरे भाई मैं ज़रूर दुआ करती हूँ, लेकिन मैंने ना इस्तखारा अपना करवाना था। अच्छा अपनी जॉब के लिए, क्योंकि मेरे हालात काफ़ी अच्छे से काफ़ी जो है ना वो बहुत ख़राब थे। चलें अगर आप इस्तखारा करवाना चाहते हैं आप मंडे को फ़ोन कीजिएगा दिन को, उसके लिए तो हमारे उधर स्टूडियो शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ोन पे बात कर सकती हैं और कोई भी आलिम साहब हुए तो हम उनसे आपकी बात करवा देंगे, कोशिश करेंगे कि आपका इस्तखारा हो जाए। बहरहाल आपकी जो परेशानियाँ हम वक्ती तौर पर यही नाज़रीन से गुजारिश करेंगे कि आपकी जो परेशानियाँ हैं मौला पजतन पाक के सदक़े वो हल फरमाए। अगले कॉलर हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। कॉलर ड्रॉप हो गए, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा से लम्हात हैं तो ज़रूर आइए इस कार्य खैर में और इस इबादत में ज़रूर हिस्सा लीजिए। और जैसे आगाज़ में हमारी एक बहन आई थी जो सिर्फ सुन रही थी और प्रोग्राम पसंद किया, हमारे एक बच्चे की बेहतरीन आवाज़ उनको बहुत अच्छी लगी, सबको बहुत अच्छी लगी, जो भी आ रहे हैं अपनी भी इबादत कर रहे हैं और जो लोग सुन रहे हैं उनका टाइम भी यकीन कीजिए ये कोई ज़ाया नहीं जा रहा, कहीं ना कहीं आपकी ये जो घड़ियाँ हैं वो लिखी जा रही हैं, क्योंकि आप ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अलैहिस्सलाम का ज़िक्र सुन रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी सआदत की बात है, बहुत बड़ी तौफीक की बात है। तो हिदायत टीवी की बात हो रही है नाज़रीन, हिदायत टीवी की मुख्तलिफ डोनेशंस की जो कैंपेन्स हैं उस पर बात हो रही है और पाँचवा साल भी मुकम्मल हुआ, उस पर भी देखिए कि कितनी जल्दी से इसने वो मुकाम हासिल किया। तीन जगह अब इसके स्टूडियोज़ लंदन में, बर्मिंगम में और ब्रेडफोर्ड से ये शिफ्ट होके अब मैनचेस्टर आ चुका है। ब्रेडफोर्ड में क्राई की जगह थी और अब ये ब्रेडफोर्ड में मरकज़ हिदायत, जिसे हिदायत सेंटर कहते हैं, यहाँ पर शहर के वस्त में मौजूद है। तो आपकी दुआओं से जहाँ पर कैंपेन चलाना पड़ती है, जहाँ पर कुछ कमियाँ हैं लेकिन अचीवमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, ये किसी भी चैनल को एजाज़ नहीं है कि तीन जगह से यूके में लाइव प्रोग्राम माशाल्लाह आप तक पहुँचाएँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम भाई, हमारे साथ कौन कहाँ से? मैं तमार रिजवी बात कर रहा था अटलांटा से। माशाल्लाह तमार रिजवी साहब अटलांटा से, माशाल्लाह जी बिस्मिल्लाह, बात कीजिए भाई। मैं अटलांटा से बात कर रहा था तमार रिजवी। अच्छी बात, अच्छी बात, कुछ पढ़ेंगे? तो मैं एक मनकबत पढ़ना चाह रहा था। जी ज़रूर शुरू कीजिए, हम दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये जितने शाह तवंगर दिखाई देते हैं, ये जितने शाह तवंगर दिखाई देते हैं, सभी हुसैन के नौकर दिखाई देते हैं, जितने शाह तवंगर
दिखाई देते हैं, पुकारती है सकावत ये दर हुसैन का है, पुकारती है सकावत ये दर हुसैन का है, जहाँ फकीर कलंदर दिखाई देते हैं, जहाँ फकीर कलंदर दिखाई देते हैं, हुसैन तेरे सिपाही अजीब शान के हैं, हुसैन तेरे सिपाही अजीब शान के हैं, सब अपनी जात में लश्कर दिखाई देते हैं, सब अपनी जात में लश्कर दिखाई देते हैं, निशान मातम जंजी रोहत कड़ी देरी, निशान मातम जंजी रोहत कड़ी देरी, रूप इश्क के देवर दिखाई देते हैं, रूप इश्क के देवर दिखाई देते हैं, अली के दर के गदागर भी मौजज़ागर हैं, बेशक वाह वाह, फकीर हो के अबू ज़र दिखाई देते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमार रिज़वी साहब एटलांटा से आप शामिल हुए, और लीजिए नाज़रीन आखिरी कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हिदायत टीवी बात कर रहे हैं जी, आप लाइव हैं भाई हिदायत टीवी प्रोग्राम अकीदत के फूल में, हमारे साथ कौन कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम, अब्बास बात कर रहा हूँ, काशिफ अब्बास बल्तिस्तानी फ्रॉम लंदन। काशिफ अब्बास बल्तिस्तानी फ्रॉम लंदन, जी भाई काशिफ अब्बास, जी जी काशिफ अब्बास सर, CHO, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जजाकल्ला जजाकल्ला। मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी कि मैं ऑनलाइन आके आपको एक लाइक वहाँ पे अकीदत की तरफ से एक माँ की शान में स्पेशली मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ, स्पेशल रिक्वेस्ट की दोस्त ने। जी बिस्मिल्लाह, क्यों नहीं क्यों नहीं, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर अज़ा थोड़ा सुकून आती है माँ, फिक्र में बच्चों के कुछ इस तरह घुल जाती है माँ, नौजवान होते बुढ़ी नजर आती है माँ, अपने पहलू में लिटा कर रोज तोते की तरह, एक बार पांच चादा हमको रटवाती है माँ, घर से जब पर्दे से जाता है कोई नूरे नजर, हाथ में कुरान लेकर दर पे
दिया जाता है जबे आशूर का कड़ी जवान जब कभी उलझी हुई जुल्फों को सुलझाती है माँ पर जब तलक ये हाथ हो बेशीर बे परदान हो एक बहादुर बावफा बेटे से फरमाती है माँ और ये बता सकती है हमको बस रुबाबे खस्ता तन इस तरह बिन दूध के बच्चे को बहलाती है माँ और शादियां कर कर के बच्चे जा बसे परदेश में जज़ाकअल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत शुक्रिया भाई, तमाम नाज़रीन का बहुत शुक्रिया। कुछ फरमाइशी थी, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो किसी अगले प्रोग्राम में ज़रूर पेश करूँगा। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया और बस यही है कि जो भी ख्वातीन हज़रात जो बच्चे प्रोग्राम में शामिल हुए, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। कंट्रोल रूम में जो भाई आप तक नशर पहुँचा रहे थे, हमारे आमिर ख़ान साहब, आसिफ़ गिल साहब, उनका भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। डोनेशन हॉटलाइन ओपन है, जो भी लोग ये समझ रहे हैं कि हिदायत टीवी बहुत अच्छा काम कर रहा है तो आप ज़रूर 69 वन ऑफ डोनेशन है और 14 पाउंड 14 यूरो के साथ ज़रूर आइएगा। नए प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।